अब सुदीप, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीना और स्वदेश पर। बताइए, स्टॉक्स में मौके कहाँ पर बन रहे हैं अभी, क्या सलाह देंगे आप? सुदीप जी, अनम्यूट कीजिए सर। मुझे लग रहा है जो हिसाब से नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जो हिसाब से मार्केट में हमने देखा है कि आज लास्ट पिछले 1-1.5 घंटे से थोड़ा सेलिंग प्रेशर जो बढ़ा हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में, तो वहां पे थोड़ा हमें कॉशियस होके, जैसे सीमेंट पैक में आउट परफॉर्मेंस हमने देखा था, तो वहां पे अंबुजा सीमेंट है, वो मेरा पहला एक पिक है। तो मुझे लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट की बात अगर करें तो जो हिसाब से पिछले कुछ दिनों में सीमेंट में अच्छा मोमेंटम बना था और एक ब्रेकआउट के बाद अंबुजा सीमेंट बाहर निकला था, और आज थोड़ा भले ऊपर से हमने दबाव हमें देखा गया है, बट ओवरऑल फिर भी ये कंपेरेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है दूसरे सीमेंट के शेयर्स में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिप्स पे खरीदा जा सकता है 575 के स्टॉप लॉस से 605 के टारगेट के लिए। और दूसरा जो मेरा पिक है वो है SML Isuzu। यहाँ पे ये एक मिड कैप स्टॉक है, यहाँ पे जो हिसाब से मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में बना हुआ था कंसोलिडेशन के बाद, आज फिर से हायर लेवल्स पे ब्रेकआउट हमने देखा है। तो मुझे लग रहा है कि डेली वीकली मंथली स्ट्रक्चर इसमें तो सारे अभी बुलिश है, और मुझे लग रहा है जो हिसाब से मोमेंटम करंट है ये स्टॉक में, तो 1690 के स्टॉप लॉस के साथ 1780 का टारगेट इसमें अगले कुछ सेशंस में आ सकता है। जाती हुई दोनों ही बाई साइड की तरफ से, जहाँ पे सुदीप की नज़र है अंबुजा सीमेंट्स, बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनानी है, और साथ ही SML Isuzu, ये स्टॉक में करीब 3.5% की तेजी है, इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। पर कुणाल, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे है, आखिरी के 1 घंटे में क्या कुछ लेना चाहिए? कल दो स्टॉक रडार पे है। सबसे पहला जो है इमामी लिमिटेड है। अगर इस स्टॉक की बात करें तो काफी अच्छी मोमेंटम फिलहाल स्टॉक में हमें आली चार्ट पे देखने को मिल रही है। एक रिवर्सल यहाँ पे स्पॉट होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जो 2 दिन पहले जो लो बनाया था एग्जैक्टली सेम लेवल पे स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस भी फेस किया था, उसके बाद ब्रेक होने के बाद 1 वे ऊपर में 583 तक की मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली थी। तो टेक्निकल सेटअप इमामी का फिलहाल काफी अच्छा है, यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह बनेगी। अभी स्टॉक चल रहा है तकरीबन तकरीबन 468 469 पे, खरीदारी करके चलिए 455 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट है वो आ रहा है उसका 485 का है। 485 का टारगेट जो इसका रिसेंटली 2 दिन पहले का हाई है वो पहला हमारा टारगेट बन जाएगा, और जैसे ही ये ब्रेक होता है ऊपर में 500 तक के भी लेवल दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और एक स्टॉक है जो सबकी नजरों में आज आज के दिन में है और बहुत सारे लोग ये स्टॉक में फिलहाल पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं। स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंस। जब से लिस्ट हुआ है तब से ये स्टॉक के ऊपर लोगों ने ये एक फ्लेवर में रहा है जब से लिस्ट हुआ है। मेरा जो मानना है यहाँ से खरीदारी करके चलना चाहिए क्योंकि स्टॉक में जो मोमेंटम फिलहाल देखने को मिली है एज पर द फिबोनाची एक्सटेंशन, एक काफी अच्छी मोमेंटम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। जियो फाइनेंस 288 अराउंड अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 280 के एसएल के साथ हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। पहला जो टारगेट है 295 का है, और जैसे ही 295 ब्रेक होता है 305 तक के टारगेट भी हमें यहाँ पे ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो जियो फाइनेंस 280 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए, देखते ही देखते 290 के आसपास आ चुका है, यहाँ 295 के टारगेट्स, और फिर 305 के टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं।